हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग गाइस। 25 तारीख हो चुकी है, रमज़ान आ चुका है और पहली सैलरी का आज दिन है और पहली सैलरी बन भी रही है, अभी बना रही है। सो मैं आज पूरी झागा क्योंकि मुझे पता था 2 बजे तक सोते हैं हम लोग, मतलब मैं 2 बजे तक सोता हूँ। मुझे पता था अगर सो गया तो 3 बजे आँख नहीं खुलनी है, तो 3 बज चुके हैं और अब आ रही रीत बड़ी ज़ोर शोर से, पर सैलरी करके नमाज़ पढ़ के फिर सोएंगे। और लॉकडाउन भी चल रहा है, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा, सो के ही गुजरेगा, लेकिन फिर भी सब कुछ बंद है तो कहीं जाने के भी नहीं रहेंगे। सो नहीं बता दिया यार, सच में बहुत इधर है। वेल, अल्लाह पाक इस रमज़ान के सद के हमारे सर से जो कोरोना का अजाब है इसे टाले, आमीन। बाकी बात करते हैं सहरी के बाद। सहरी बन चुकी है और सहरी करने के बाद मेरे भाई को नींद आ रही है, हमें भी आ रही है। सहरी बन चुकी है, सहरी करने के बाद इंशाल्लाह जाएंगे नमाज पे और उसके बाद सोएंगे और ऐसा सोएंगे फिर मिलेंगे जोहर पे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। 3 बज चुके हैं और 2 बजे नमाज थी, 3 बज चुके हैं, नमाज के लिए जा रहा हूँ मैं और नमाज निकल चुकी है। चलें खुद की जमात खड़ी करें। नमाज़ पढ़ ली है और मस्जिद से निकल रहे हैं, चप्पल गंग हो रही है, गर्मी गर्मी नहीं धूप है। नमाज़ के लिए निकल पढ़ ली है और निकल रहे हैं मस्जिद से। हाँ, निकल गए। अब जाऊंगा मैं घर पर नहीं, उसामा के पास, क्योंकि उसामा से अपना लेना है लैपटॉप का चार्जर, क्योंकि मेरे लैपटॉप की जो है बैटरी बिल्कुल ही डाउन है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल डाउन है, 2 दिन से चार्जर मेरे दोस्त उसामा के पास पड़ा हुआ है, बस से चार्जर लेना है और फिर जाएंगे घर पर। पहुंच गए उसामा के घर पर और उसामा बाहर आ गया। आप लेंगे सामान से चार्जर, लेकिन वो घर बुला रहे उतार में। चलो चलते हैं। ओ सामा भाई, क्या हाल है? रोज़ा रखा ही ढका? रखा है। गुड, मुसलमान होता है आप ही। तो सामा भाई जल्दी से मुझे मेरा चार्जर दे दो ताकि मैं अपना लैपटॉप का चार्ज कर सकूं। और यार ये बुरा मत मानिएगा, ये घर नहीं है इसका, घर ही है इसका सेकंड फ्लोर, बट काम चल रहा है इसके सेकंड फ्लोर पे, नीचे वाला फ्लोर पूरा महल टाइप बना हुआ है। ज़्यादा नहीं हो गया ये, इस पे काम चल रहा है, मजदूरों ने काम रोक दिया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। ड्राइवर्स कह रहे हैं भाई हम काम नहीं करेंगे वरना हमको इमरान खान डांटेगा। सो देखें हमारा एसी चल गया। हाँ, ओह थैंक यू, इतनी इज्जत वे लोग में, इतनी इज्जत, मैंने सच में इतनी इज्जत नहीं करता, ये बंदा मेरी अभी इज्जत कर रहा है, वे लोग खुद भी आ रहा है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपको असर पे। हाय, असर भी पढ़ ली, तिलावत भी कर ली, अफ्तारी भी कर ली, मगरिब पढ़ के अब आके चिल होके पेट फुल करके बैठे हुए, पेट देख सकते हैं, पेट फुल करके बैठे हुए बिल्कुल रिलैक्स होके। और इस बार रोज़ा बिल्कुल भी लगा, क्यों? क्योंकि 6 बजे सोए हुए थे, रात 3 बजे दोपहर में उठे हैं, और तो मतलब बाकी बचे 4-5 घंटे, नहीं 4-5-6-7, 4 घंटे, 4 घंटे बचे। 4 घंटों में फिर असर पड़ी, तलावत करी और मगरिब पड़ी, अफ्तारी करी, तो पता नहीं चला अफ्तारी के रोज़े का ना, और दिन भी अच्छा था। सो आज का व्लॉग यही था। और हाँ, अभी कुछ देर बाद इशा की नमाज है, लेकिन दूसरी बात ये कि यार आज के जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उस हिसाब से हुकूमत ने ऐलान किया है कि मस्जिद वगैरह में जो नहीं होंगी तरावियाँ नहीं होंगी, अगर हुई भी तो हमारे एरिया में ये बताया गया अगर तरावियाँ हुई भी ना तो सिर्फ 5 बंदे पढ़ सकते हैं। तो यार कहने का मकसद ये था कि मैं हुकूमत को बुरा नहीं बोल रहा, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ एक ऐसी बात जो कि
आज के लोगों के अंदर दिमाग में है एक बात, ये वो ये है कि यार अगर आप मस्जिद में लोगों को आने से रोक रहे हो कि इस एरिया में, हमारे टंडो ग्राम वाली एरिया में, बदीन वाले एरिया में ये बोला जा रहा है कि 5 बंदों से ज़्यादा छठा बंदा नहीं होगा तरावी के लिए, जब यहाँ पे इतनी बाउंडिंग की जा रही है और हर बंदा के बीच में 3-3 फिट का डिस्टेंस होगा, मतलब इतना मुफासला होगा दोनों बंदे के बीच में ना, जब इतना आप कर रहे हो तो यार जो एहसास ग्रुप की तरफ से 12,000 रुपये गरीबों को मिल रहे हैं आप उसका भी तो सोचें, क्योंकि वहाँ पे जो 12,000 रुपये लेने आए हैं ना, उन 12,000 रुपये लेने के लिए जो औरतें हैं या मर्द हैं वो बिल्कुल मुंह के पास खड़े हैं, मुंह टू मुंह खड़े हैं, फेस टू फेस खड़े हैं, मतलब कि यार कोई, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है उनके बीच में, तो ये गलत है ना। आप उनको भी इस तरह ही प्रोटेक्ट करो ना जिस तरह आप मस्जिदों को बाउंड करके करके रखा हुआ है आप लोगों ने, इस तरह आप उन चीज़ों को भी बाउंड करके रखें। मैं ये नहीं कहता कि आपको दो ना दो, बेशक उनका हक है, वो कहाँ जाएंगे, आपका हुकूमत दे रही है बहुत बेहतरीन चीज़ है, हुकूमत अपना बेस्ट कर रही है, लेकिन कहने का मकसद ये, जैसे आप मस्जिद में जैसे बाउंडिंग कर रहे हैं ना, जैसे मस्जिद में मस्जिद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं नमाजियों को, इस हवाले से आप उनको भी प्रोटेक्ट करें, आप ऐसा कुछ करें कि वो भी बाहर ना निकले, उनका काम हो जाएगा बैठे बैठे। और मेरे से बस थोड़ा सा दुख होता है कि यार एक ही महीना आता है और इस महीने में हम तरावी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुरान पाक को नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ हम बेशक घर में कर लेते हैं, घर पे कर भी रहे हैं अल्लाह का हुक्म से, लेकिन मस्जिद का जो एक लजीज, मतलब मस्जिद मस्जिद होती है ना, एक एक इन्वायरमेंट बन जाता है मस्जिद के अंदर, वो सुकून मिलता है, मज़ा आता है, घर में भी होता है लेकिन मस्जिद तो है ना एक इबादत का। तो बस आज का ग्रुप कुछ यही था, और बस यही था, टाटा।